एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुनीत ब्लॉग्स। तो कैसे हो सब? तो गाइस, आज हम आए होते सारे के सारे प्रेरणा के फ्लैट पे। हेलो गाइस, कैसे आप सब? सो गाइस, हम लोग फिर से आ गए सब प्रेरणा के फ्लैट पे। सॉरी गाइस, इस लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था मम्मी की तबीयत खराब है, तो अभी प्रेरणा आ रही थी क्योंकि उसको बहुत ज़रूरी काम थे। तो हम सब लोग भी आ गए यहाँ पे, मैं, पुन्ना, अंशु, मम्मी, नोना, मिट्टू दीदी, नितेश जी, जो हम सब लोग आ गए। और अब हम लोग खाना खा लिया हम लोगों ने, प्रेरणा घर पे वो नहा रही थी। और हम आए 1 बजे खाना खा के 12:53 हो रहे हैं और हम लोग अभी बाहर घूमने आए हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज प्रेरणा का AC ख़राब हो गया है। अब हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, बट अभी हम थोड़ा सा घूम रहे हैं। ये चारों देखना कैसे चल रहा है। मिट्टू दीदी देखो गाइस, कैसे आदमियों की तरह चल रहे हैं। तो अभी AC ख़राब है और बहुत गर्मी लग रही है। तो अभी हम लोग यहाँ, मतलब अभी हम लोग वहाँ आ गए थे, अब हम यहाँ से बैग से आ गए। ये वाला प्रेरणा का फ्लैट है और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे। गाइस ये ना दिखता है ट्रांसपेरेंट। वो देखो प्रेरणा ना गया, पर इसने सूट क्यों पहना है? साड़ी पहन रही है। पास कहाँ जा रही है? मेरी ऐड की आई है। कमर में लच जा रहे। तो तूने अभी रात को क्यों पहनी है? वही पेट अंदर करके गाइस बोले। ओए फैंस, मैम प्लीज, आपके फैंस आए हैं। तो देख लेना, ऐसे ऐसी कर दूंगी। मैम एक बार अपना थैला मत सिर्फ लपेटी है मैम, काम ही नहीं पे डांस करें ना। एक बार बता मैम, ये वाला मैंने ना प्लेटे नहीं बनाएंगे, साड़ी लपेटी है। मैम एक बार ये वाला कर दो मैम, आप ऐसे कितना हो रहा है ना, हॉली हॉली कितने बीच। मैम एक बार ये आप गाना लगा दो, आपका न्यू सॉन्ग चल रहा है, वो काम नहीं वाला बहुत है। आप वो ये ना कॉम्बी टेटा की वाइफ मेरी मैया है। अब ये जब अपनी टांगड़ा नहीं अभी चाहिए ऐसे। मैम हॉली हॉली कितने बीच। अभी उन्होंने किसी के ना 200 रुपए चुराए थे, अभी जेल में है वो। अच्छा, वो आपके पति जेल में है? हां जी। अच्छा, 200 रुपए चुरा के आपको ही पप्पी दे। चिपकली चिपकली नहीं मैम, नहीं है। आपको पप्पी दे दूं, पति तो है नहीं। मैम बैक आपका ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है। हां थैंक यू। नेकलेस वाओ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। यहां पे देखो ये बन रहा है। कहां से पाई की मैम? मैम इट्स फ्लावर फ्लावर नहीं है। अच्छा मैम कितने की है ये? ब्लाउज भेजाओ भाई साहब, लैपटॉप आ जाएगा। एक्चुअली ना मैंने ऐसे ही बांधी हुई। आपने रात को क्यों पहनी है? ये बहुत अच्छे नितेश, आप स्टेज के पीछे खड़े हैं, आप अंदर आ जाइए। मैम मैम फ्लावर फॉर यू मैम, आपके लिए लेकर आए प्लीज। मैम आपके बिग फैन आ गए मैम। मैम गुल्लू गुल्लू मैम, उंगली पकड़ो। क्यों पकड़ो अच्छा, अंगूठी दोगे? नहीं नहीं पकड़ो तो सही। नाक में से निकाल लिया इन्होंने। आप जो मम्मी जी बिल्कुल नहीं गिरे। बिग फैन, आपके बिग फैन मैम वहां पे बोल रहे हैं। मैम हमारे आप चाय वाय नाश्ता तैयार है, अंदर आ जाइए। चाय बनाऊंगी मैम। हम आपके घर पे आ रहे हैं, आप साड़ी में रहना। मैम आगे से आ रहे हैं, गाड़ी वाली मैम इस घर में रहती हैं। साड़ी वाली मैम लगा अभी घर में आ गई। आप ले लाए गहरी भाई, गहरे से मुंह के
मैम ये आप इनको जानती हैं? जय माँ बागी मुंह नहीं खोलना चाहिए से बस चुप खड़ा रहा पीछे से टूटी काट रही हूँ बस ऐसे ही चिपक के खड़ा रहा चुप मैम पोज दीजिए मैम पोज दीजिए जी जो नॉर्मल मैम पोज वी सर प्लीज एक पोज सर बाल तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं हम टचअप दे रहे हैं वीर जी आपको आप अपने मेकअप आर्टिस्ट नहीं लेके आए क्यों मेरे पति को पसंद नहीं है मुझे टच करना मैम तो आपको मेकअप आपके पति करते हैं हां जैसा मर्जी कर दे यही इनकी मेरी खूबसूरती करा दे हम पर आप तो खूबसूरती नहीं है इसका पति अच्छा होता है ना मेकअप की जरूरत नहीं मैम पतंजलि हेलमेट मैं तो पतंजलि घर की तो मेरी ऐसी की ऐसी नहीं है मैम साड़ी आपकी बहुत अच्छी लग रही है पतंजलि हेलमेट हम बहुत अच्छी में रहते हैं तो ये पहली बार आई है ये गंदे लोग हैं सर फैंस हैं आपके सर फैंस हैं आपके पतंजलि हेलमेट मैम आप पाते हो देखिए ये अंदर सब मैम प्लीज करके दिखाइए ये बहुत साइलेंट पाती है मुझे लगता है कि हम ही लोग पा सकते हैं आप मिल सकते हो सेलिब्रिटी लोग होते ऐसा कुछ नहीं है जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं वो भी पाते भू कर सर प्लीज एक ट्राई सर आवाज आती है नहीं आती मैम प्लीज एक बार करके दिखा दीजिए मैम अपना एक मैम वो लपेटे सॉन्ग पे एक चुटिया ही घुमा दो मैम चुटिया घुमा दो लपेटे घाले चोटी के वाले मैम आपकी फिटनेस का राज ये क्या पूछ लिया आपने चामिन चामिन छोटू टिल्ला मोड़ पे मैम अपना वो चेंज कर रहे हो प्लीज आप अपने उसमें रहिए मैं क्लोथ चेंज करके आती हूँ नहीं मैम अभी नहीं आप क्या रेडी वाला है छोटू की तरह बोलते हैं ना रेडी तो चंदेन लगा नहीं ये कुछ और मैम आपके और लेटेस्ट सॉन्ग कौन कौन से आने वाले हैं बहुत काम है मैम आपको इतना काम आता कहाँ से होता है काम कहाँ से आता अभी हमने सॉन्ग बनाया तो वो आने वाला है खेत में तू रोटी लेके आयो रे गोजरी रोटी अचार करके लियो रे गोजरी गुजर का यू छोरा तेरा रास्ता निहारेगा ताली बजाओ वो डर रही है देख के पिछली साड़ी पक मुझे नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं मैम प्लीज आप इतना कमाती मैम आप इतना कमाती अपने पति की वैक्सिंग करा दे के दिए मैम एक बार हम आपके बेबी को थैंक यू सो मच आप निकल जाएंगे चलो मैं आप सबके आगे क्यों जीती मान लो गुड मॉर्निंग बोल रही शूट चल रहा है तेरे से मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ ना अच्छा जब मैं नाक में उंगली देता हूँ जब तू चाटती तब कितना साड़ी पहनी हुई थी ये पूरे व्लॉग में आपने गुन्नू के देखा होगा अगर आप ये साड़ी लेना चाहते हैं तो इनकी जो आईडी है इसको भी ले ले भाई डिस्क्रिप्शन में कशिश डाल देगी तो आप लोग उनका इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना साड़ी बहुत अच्छी है वो तो मैंने बांधी मतलब ऐसे ही ठूस ली थी क्योंकि मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती
जब मैं बांधूंगी तो आप मेरे अकाउंट पे देख लेना। बाकी साड़ी बहुत अच्छी है, रेडीमेड ब्लाउज है, साथ में एक्स्ट्रा ब्लाउज का कपड़ा है, पर पेटीकोट नहीं है, वो आपको बाय करना पड़ेगा। पर साड़ी बहुत ज्यादा अच्छा फैब्रिक है, तो आप भी अपने लिए मंगा सकते हैं। इसे देखो गुल्लू को, मेरे बुल्ले जाई को। लो सिग्नेचर ब्रिज देख लो आप। हम लोग ना सिग्नेचर ब्रिज पहुंच गए, आप लोगों ने रात में व्यू नहीं देखा होगा ना, मम्मी और पुनीत का ये कहना है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस। और ऊपर फ्लैग बन रहा है हमारा इंडिया का, और नीचे लाइटिंग हो रही है, ऊपर हो रहा फ्लैग, और कैसा लग रहा है आप लोग बताना गाइस, आप लोगों ने रात में देखा है या नहीं देखा। और बाकी हम थोड़ी देर में बस घर पहुंचने ही वाले हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल लाइटिंग हो रखी है यहाँ पे, मस्त लगता है गाइस। जब ये न्यू बना था, बहुत दूर दूर से जनता जनार्दन आई थी यहाँ फोटो खिंचवाने। आप लोगों ने यहाँ फोटो खिंचवाई है या नहीं, कमेंट करके बताना। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस आज मेरा एग्जाम है, बहुत खुशी की बात है ये, बिना पढ़े जा रही है, मैं हर पेपर में बिना पढ़े गई हूँ, बट पेपर अच्छे जाते हैं गाइस, डोंट वरी अबाउट दैट। और गाइस मतलब मैं नहाई हूँ, फिर भी मेरी आंखें पता नहीं क्यों नहीं खुल रही है, तो ऐसी आया है, मैं नहा के आई हूँ फिर भी मेरी आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि यार रात को तो 3 बजे वहाँ से आए, फिर सोने में भाई यार एकदम लेट के तो नहीं सो रहा था, बार बार थोड़ी देर 4 बजे सोए हैं, फिर अब मुझे 7 बजे उठना होता है, तो अब ये तो घर जाके दोबारा सो जाएंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। और यार मैं बहुत तैयार होकर जाना चाहती थी आज, और मैंने सोचा था कि मैं लास्ट टाइम गई थी, मैंने सिग्नेचर पर वीडियो बनाई थी, मैं फिर से बनाऊंगी, बट यार मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मैं मतलब इस 8:22 तक, अब 8:22 हो रहे हैं, इस टाइम तक मैं हमेशा कॉलेज पहुँच जाती थी, और अभी हम लोग घर से निकले थोड़ी देर पहले, तो आज लेट हो गया, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई, आज हम ऐसे ही जा रहे हैं, सो सैड। हम फटाफट से कॉलेज पहुँच जाए, उसके बाद मैं जाऊँगी एग्जाम दे के आऊँगी, और फिर हम वहाँ से प्रेरणा के घर वापस जाएंगे, तब तक AC ठीक हो जाएगा, और नूना बिना AC के रहती है, इस वजह से हमें वापस आना पड़ा, बट कोई बात नहीं गाइस। अब चलो इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप ये ब्लॉग एंजॉय करो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और हमारी सपना छतरी कैसी लगी। हाँ, और प्रेरणा की एक्टिंग और हम सबकी एक्टिंग कैसी लगी, कमेंट करके जरूर।